एमपी के रीवा जिले के अंतर्गत त्योंथर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश सचिव कांग्रेस नेता धर्मेश शुक्ला ने त्योंथर को जिला बनाने को लेकर अपने खून से लिखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र और कहा कि अगर चुनाव से पहले त्योंथर को जिला किया गया घोषित तो भले, हम हैं कांग्रेस पार्टी के हैं सिपाही, पर त्योंथर से भाजपा को जीतने का कार्य करूँगा। लंबे अरसे से त्योंथर को जिला बनाने की मांग की जा रही है। त्योंथर को जिला बनाने के लेकर कई सालों से, लगभग दो दशक से हमारे त्योंथर के प्रबुद्ध जन आवाज उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन सारी सुविधा होते हुए भी, सारी पात्रता रखते हुए भी त्योंथर को पता नहीं क्यों सरकार द्वारा त्योंथर को के साथ सौतेला व्यवहार लगातार किया जा रहा है। हमने विगत में भी कई पत्र लिखे, अभी त्योंथर आए थे दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने भी घोषणा की है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो हम त्योंथर को जिला बनाएंगे, क्योंकि त्योंथर पूरी पात्रता रखता है जिला बनने की। लेकिन इसके पूर्व मैंने आज ये पत्र लिखा शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, मुख्यमंत्री हैं, जो कि लगातार त्योंथर को अपने सौतेले रवैये के कारण यहाँ जनमानस को आक्रोशित करते चले आ रहे हैं। मेरा उनसे सिर्फ इस पत्र के माध्यम से इतना आग्रह किया गया है कि अगर मैंने ये खून से पत्र लिख कर उनको सिर्फ ये चेताने का काम किया है कि अगर आप त्योंथर को जिला बनाने की कवायद शुरू करते हैं तो हम लोग अगर घोषणा करते हैं तो त्योंथर के, भले मैं कांग्रेसी हूं और जिला निर्माण मंच के जो साथी काम कर रहे हैं, सब लोग एकजुट होकर आपको यहां पर त्योंथर और सिरमौर दो विधानसभा सीट चुनाव जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।